नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर इंडिया पर मैं हूं अंकित होने से पहले ही एक डिस्क्लेमर दे देता हूं आज के सेशन का पूर्ण उद्देश्य आपको मनोरंजन दिलाना है उद्देश्य लेकिन वो मेरा ना होकर पाकिस्तान का है वही पाकिस्तान जो कि हाल हाल ही में बिजली गुल होने के कारण या फिर खुद से ये स्वीकार करने के कारण कि हाय हम बर्बाद हो गए अब वो एक अतिथि के सम्मान में इतना पागल हुआ है कि अपनी राजधानी के सभी स्कूल सरकारी दस, दफ्तर बंद करवा दिया है आज के सेशन में चर्चा करेंगे कि ऐसा कौन प्राणी आ गया है जिसके इंतजार की इंतहा हो गई थी जिसके आने पर पाकिस्तान पूरी तरह लेट गया है कि बस आप आ गए हैं तो समझिए कि हम आपके सम्मान में बिल्कुल न्यौछावर हैं कुछ तो कुछ तो दे जाओ हम आपके सम्मान में खड़े हो गए हैं चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन की जानकारी और सेशन की जानकारी में आपके सामने कुछ न्यूज की कटिंग्स दिखाई जा रही हैं इस्लामाबाद स्कूल ऑफिस रिमेन क्लोज ऑन जनवरी थर्टी इसके पीछे का मकसद मकसद क्या है वो हम आज के सेशन में तो बताएंगे ही लेकिन पहले ही जान लीजिए कि यहां पर एक विदेशी गेस्ट आए हैं यूएई के हेड आए हैं साथियों कैपिटल एडमिन पब्लिक टुमारो ये खबर है यानी कि 30 तारीख सोमवार को यहां पूरी तरह छुट्टी होगी आप पूछेंगे सर छुट्टी होगी तो बहुत नुकसान हो जाएगा काम काज ठप हो जाएगा अरे किसको परवाह है काम होगा तो ठप होगा पैसा होगा तो नुकसान होगा यहां ना तो कोई पैसा है ना कोई काम है तो दिक्कत किस बात की है स्कूल ऑफिस टू रिमेन क्लोज ऑन जनवरी थर्टी इस्लामाबाद स्कूल ऑफिस टू रिमेन क्लोज ऑन मंडे आप यहां पर खबर देख रहे हैं चलिए साथियों आगे लेकर चलते हैं यहां की स्कूल कॉलेजेस बंद हो रहे हैं बंद होने के पीछे कारण क्या है कुछ अमीर लोग एक गरीब देश में अपनी छुट्टियां मनाने आ रहे हैं। ये अमीर लोग कहां से हैं? ये अमीर लोग भारत के मित्र राष्ट्र यूएई से आ रहे हैं यूएई के प्रेसिडेंट जो हैं, वो अपने परिवार समेत यहां हॉलीडे मनाने आ रहे हैं आप पूछेंगे क्या बात कर रहे हो सर पाकिस्तान में और वो भी हॉलीडे अरे क्यों नहीं भाई जहां पर लोगों को जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे अमीर लोग विलेज टूरिज्म देखने जाते हैं आपको मालूम होगा बहुत सारे विदेशी आकर के स्लम के अंदर देखने जाते हैं कि स्लम्स कैसी हैं कुछ वैसे ही यूएई के जो लोग हैं वो गरीबी देखने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं थेरी जरा यहां पर कुछ और करने भी आ रहे हैं वो भी हम बताएंगे आपको आपको क्या करने आ रहे हैं लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूं जिससे आप आज से आप यहां पर जनवरी पच्चीस का क्योंकि जनवरी पच्चीस को पाकिस्तान में यूए के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद पहुंच चुके हैं इधर देखिए एक्सट्रीमली डिलाइटेड टू सीव माय ब्रदर अब थोड़ा सा शब्दों पर आप जोर दें और यहां पर आप देखें अपना भाई बता रहे हैं किसे बता रहे हैं हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद को कौन बता रहा है शहबाज शरीफ बता रहे हैं शहबाज शरीफ कौन है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इनका कहना है कि आप यहां पर पधारे व्हिच इज हिज सेकंड होम जो कि उनका दूसरा घर है क्योंकि उन्होंने इसे अपना फार्म हाउस बना रखा है किसने बना रखा है गल्फ के अमीर देशों ने पाकिस्तान को अपना फार्म हाउस बना रखा है यहां पर ये यह आनंद लेने आते हैं कैसे आनंद बताएंगे हम पहले भी बता चुके हैं फिर से एक बार बताएंगे बिल्डिंग ऑन लास्ट मीटिंग वी डिस्कस वे एंड मीन टू फर्दर स्ट्रेंथन अवर ब्रदरली रिलेशन यानी कि ये भाईचारा बढ़ाने आ रहे हैं ठीक है साहब भाईचारा बढ़ाएंगे इनका आगे आइए ये वही शहबाज शरीफ हैं जिन्होंने कुछ दिनों पहले एक अपने द्वारा वीडियो जारी करके लोगों के बीच की मीटिंग में कुछ ऐसी जानकारी देकर पूरे पाकिस्तान के ऊपर घणो पानी डाल दिया था शर्मिंदा कर दिया था क्या बात बोली थी इन्होंने शहबाज शरीफ बोले थे कि हमें एटमी ताकत होकर भी भीख मांगनी पड़ती है और जब भीख मांगनी पड़ती है ना तो इसमें भीख का जो रेफरेंस लिया गया था आप मुझे हमें पेन कर दो और दे दें तुझसे कहा कि शहबाज जी भाई मैं आपको

हमको लगता है फिर से सुनिए कि भाई आप पैसा मांगने आ गए हैं पर हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं सुनिए बोलिए शहबाज शरीफ चुप क्यों है चुप हो गए बुरा मान गया लग रहा है आपकी जिम्मेदारी थी आज मनोरंजन चुप हो गए बुरा मान गए कोई नहीं इनने क्या कहा मैं आपको वो बताता हूं इन्होंने कहा है कि हम जब पैसा मांगने जाते हैं वो हमारा चेहरा देख के समझ जाते हैं कि पैसा मांगने आए हैं लेकिन हमें फिर शर्म आती है कि हम एक तरफ एटमी ताकत हैं और दूसरी तरफ कटोरा लेके घूम रहे हैं अब ये बात इनने बोल रखी है बहुत पहले इन्होंने ये जानकारी अपने ही देश में अभी दो महीने पहले दी है अब इसी बीच में पाकिस्तान के जो लोग हैं उन्होंने इनसे सवाल कर लिया क्या सवाल कर लिया हम छोटे मोटे लोगों का नहीं जो वेरीफाइड लोग हैं हालांकि इन्होंने ट्विटर के अकाउंट खरीदे नहीं होंगे ये हम मानते हैं इन्होंने लिखा है कि स्कूल कॉलेजेस यूनिट्स, गवर्नमेंट ऑफिस एंड वर्क रिलेटेड ट्रैफिक इन कैपिटल ऑफ ए न्यूक्लियर स्टेट विल बी शट डाउन बिकॉज ए यू ए डिग्नेटरी विल स्पेंड हाफ ए डे हेयर सोचिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के अंदर स्कूल कॉलेजेस गवर्नमेंट ऑफिस बंद हैं क्यों बंद हो रहे हैं क्योंकि यूएई की एक डिग्नेटरी यानी एक बड़ा आदमी यहां पर आधा दिन बिताएगा। ह्यूमिलिएट यानी पाकिस्तान को शर्मिंदा करने के पांच बड़े तरीकों में से एक तरीका यह भी हो सकता है एंड दे लेक्चर ऑन अवर नेशनल ऑनर ये लोग हमारे राष्ट्रीय मतलब प्रशंसाओं के ऊपर टिप्पणी करते हैं इधर की तरफ कोई और भी है पाकिस्तानी ही है वो लिखते हैं देयर इज नो नेशनल ऑनर वैन द न्यूक्लियर स्टेट विल बैग और बोरो जब भीख मांगेगा मांगेगा क्या फ्रॉम दि सेम यू डिग्निटी यानी कि जब इतने बड़े व्यक्ति यहाँ आ रहे हैं तो इसमें कोई सम्मान नहीं रह जाएगा जब हम उसी व्यक्ति से भीख मांगेंगे ये पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की सरकार से सवाल कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की सरकार यह डिक्लेयर कर रही है कि हम कल छुट्टी रखेंगे क्यों छुट्टी रखेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पर एक डिग्निटी पधार रहे हैं पाकिस्तान के लोगों ने जिस प्रकार से इसका आनंद लिया उसका पूर्ण विश्लेषण आज के सेशन में हम आपसे करेंगे लेकिन उससे पहले आपको आज की एक बुक रिकमेंड कर देते हैं जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन करके दिया हुआ है साथियों बुक बता रहे हैं किस प्रकार से भारत के अंदर सरदार पटेल और वीपी मैनन साहब ने भारत में उपस्थित उस समय की पांच से अधिक रियासतों को एक मिलाकर के भारत का निर्माण किया था आज आप जिस संयुक्त और एकीकृत भारत को देखते हैं एक ऐसे भारत को देखते हैं जहां बैठकर के उस मोहम्मद अली जिन्ना के बनाए पाकिस्तान की मजाक बनाते हैं तो आपको निश्चित ही आज के दिन सरदार पटेल और वीपी मेनन साहब को याद करना चाहिए कि किस बुनियाद पर उन्होंने भारत का निर्माण किया था यह मैं बुक रिकमेंड कर रहा हूं जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में दे रखा है आप में से ऑलरेडी मेरे बहुत से मित्र कुकू एफएम डाउनलोड कर चुके होंगे क्योंकि इस साल की शुरुआत में उन्होंने सोचा था कि जहां एक किताब मात्र ₹300 की खरीदनी पड़ती है 10 किताबें 3000 की पड़ती हो वहां 10000 किताबें कुकू एफएम मात्र ₹39 में दे रहा है जी हां एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां दस हजार ऑडियो बुक्स आपको पूरे एक महीने के लिए थर्टी नाइन रुपीज में उपलब्ध कराई जा रही हैं। ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर आप किताबों के नोट्स बना सकते हैं टाइमर लगा सकते हैं, स्लीप मोड एक्टिवेट कर सकते हैं और ऐसे अवसर पर आपको यहां रिपब्लिक डे ऑफर के चलते हुए आपको यहां पर थर्टी रुपीज में जो बुक का सब्सक्रिप्शन नाइनटी नाइन रुपीज पर मंथ में मिल सकता है वो आपको साठ परसेंट डिस्काउंट के साथ थर्टी नाइन रुपीज में दिया जा रहा है बस कंडीशन एक है आप यहां पर मेरा कोड फ्रीडम सिक्सटी लगाइएगा ताकि आपको थर्टी नाइन रुपीज के अंदर ये किताबें सुनने को मिल जाएं तो जरूर आज के दिन जब आप आनंद ले लें तो आनंद की पूर्ति के लिए कुकू एफ जिसका लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है वहां जाकर के गौरवान्वित भी फील करिएगा कि हम ऐसे क्यों हैं और वो ऐसे क्यों हैं आइए आपको और कारण देते हैं साथियों पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में प्रशासन ने तीस जनवरी यानी सोमवार की छुट्टी तो कर दी है सब जगह की छुट्टी होने के पीछे लोगों ने मजे भी इनके ले लिए हैं और मजे लेने के बाद में यहां पर जो खबर निकल कर आती है वो ये है कि यहां पर यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान अपनी द्वारा एक प्राइवेट विजिट के अंदर प्रधानमंत्री के बुलाने पर आ रहे हैं यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यहां के प्रेसिडेंट यूए के प्रेसिडेंट को प्राइवेट विजिट के लिए बुलाया प्राइवेट विजिट का मतलब हुआ कि आपसी व्यवहार में बुलाया है आपसी व्यवहार में ही क्यों बुलाया स्टेट विजिट और प्राइवेट विजिट में क्या अंतर होता है देखिए स्टेट विजिट का मतलब होता है सरकारी यात्रा सरकारी यात्रा पर जब आप जाते हैं तो आपको वहां जाकर उनकी सरकार के साथ कुछ एमओयू पर हस्ताक्षर करने होते हैं यानी कि कुछ एग्रीमेंट करके आने होते हैं कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे क्या बात करेंगे लेकिन फिलहाल के लिए इनके पास में ऐसा कुछ देने के लिए है ही नहीं तो ये अपनी प्राइवेट यात्रा पर यहां आए हैं मनोरंजन के लिए यहां आए हैं और प्राइवेट विजिट पर जब यहां आए हैं तो प्रधानमंत्री के आवास पर उन्हें पूर्ण सम्मान दिया जाएगा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इन्हें रिसीव करने पहुंचते हैं पच्चीस तारीख को आप यहां पर प्रेसिडेंट साहब पहुंचते हैं भारत के बहुत अच्छे मित्र हैं भारत के साथ अरबों डॉलर का व्यापार होता है लेकिन पाकिस्तान ये मनोरंजन के लिए पहुंचे हैं पाकिस्तान में जब पहुंचते हैं शहबाज शरीफ इनको रिसीव करने जाते हैं हालांकि प्राइवेट विजिट पर आप आए हैं लेकिन पाकिस्तान के द्वारा पाकिस्तान के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर समेत जो भी इनको इज्जत विज्जत देनी थी वो सब दे दी जाती है ठीक है साहब इनकी यात्रा के वीडियो जारी होते हैं कि, कि किस प्रकार से ये पहुंचे अपने साथ किस किस को लेकर आए कौन कौन इसे रिसीव करने गया किस प्रकार से यहां पर होर्डिंग लगा करके इनके सम्मान में सारे इंतजाम किए गए लोगों के मन में क्यूरोसिटी बन गई कि यार इतना आदमी पाकिस्तान में आफ्टरऑल प्राइवेट विजिट करने क्यों आया होगा लोग दिमाग में खुजली करके सोचने लग गए कि यार इनके पास तो, जाने के लिए एक से तो फिर सुर्खियां खोज खोज कर निकलना शुरू हुई लोगों ने कहा कि यार कुछ तो गड़बड़ है प्राइवेट विजिट शब्द बोला जा रहा है कहीं तो मामले में गड़बड़ है दया जानकारी जब खोजी गई तो जानकारी निकल कर आती है पुरानी जानकारियों से रिलेट होकर के और रिलेट ये है पाकिस्तान के अखबार की कटिंग वर्ष 2020 की साथियों असल में सऊदी के ये सॉरी यूएई जो है संयुक्त अरब अमीरात के जो रॉयल्स हैं यानी कि शाही राजगरहाने के लोग हैं वो पाकिस्तान में शिकार करने आते हैं जी हां आपने बिल्कुल सही सुना ये नवंबर से लेकर जनवरी के बीच में एक पक्षी है जिसका नाम है होबारा बस्टर्ड इंडिया के राजस्थान राज्य के अंदर वह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है पाकिस्तान में वो होबारा बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है इसके शिकार के लिए यहां पर बड़ी मात्रा में रॉयल फैमिली के लोग हर साल आते हैं ये इनका एक प्रकार से शिकारहा है जिस प्रकार से बड़े राजा महाराजा अपनी शिकार करने के लिए कहीं शूटिंग प्लेसेस पर जाया करते थे कुछ उसी प्रकार से गल्फ नेशंस में चाहे यूएई हो चाहे कतर हो चाहे सऊदी अरब हो मैं सबके प्रमाण दिखाऊंगा वो नवंबर दिसंबर जनवरी में छुट्टियां मनाने यहां आते हैं और इस पक्षी का शिकार करते हैं जिसका नाम है होबारा बस्टर्ड आप मैंने बहुत से लोगों ने यह तस्वीर देखी होगी आप अगर कभी यूएई की यात्रा पर जाए दुबई की यात्रा पर जाए तो आप देखेंगे वहां पर तस्वीर खिजाते शेख की ड्रेस पहनकर हाथ पे बाज बिठा करके शिकार किया मतलब फोटो दिखाया जाता है जाता है असल में वो जो बाज बिठाने की परंपरा है उसके पीछे भी यही कारण है क्योंकि इस होबारा बस्टर्ड के शिकार में इस बाज का जिसको आप फाल्कन कहते हैं इसका उपयोग किया जाता है और ये फाल्कन भी

प्रांत और बलूचिस्तान में रहेंगे हमें तो यह सूचना आधिकारिक रूप से प्राप्त ही नहीं हुई है कि यह क्या करेंगे लेकिन यह सूचनाएं दो साल पहले से ही बाहर हैं कि यहां के रॉयल्स इस महीने में आकर यहां शिकार करने आते हैं और बताता हूं मैं ऐसे ही आप सऊदी परिवार के जो रॉयल्स हैं उन्हें भी हाउबारा बस्टर्ड का शिकार करते हुए न्यूज में देख सकते हैं वर्ष 2021 की खबर है इसी समय पर ये लोग यहां पर शिकार करने इस पक्षी का आते हैं ऐसे ही मैं आपको एक खबर और दिखा देता हूं ये खबर निकलकर आती है आपके पाकिस्तान के द्वारा चौदह अरब डिग्नेटरीज को हा बस्टर्ड को सिंध में मारने की परमिशन दिए जाने के बाद खबर आती है कतर के शेख खलीद बिन जायद को यहां पर आकर के शिकार करने की परमिशन दी आती है आप इधर देख लीजिए और यूई के प्रेसिडेंट जो है ना जायद अल नहायान। अगर आप खबर को ध्यान से पढ़ेंगे तो 2021 की खबर है जहां पर देखिए दीज डिग्नेटरी इंक्लूड प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर शेख खलीद बिन खलीफा बिन खलीफा अब्दुल अजीज अल थानी और प्रेसिडेंट ऑफ यूएई खलीफा बिन जायद अल नहायान। जो आज आप यहां पर पहुंचे हैं ये 2021 में भी यहां आए थे और ये क्यों आए थे तो आप इस खबर को पढ़िए चौदह अरब डिग्निटीज टू हंट होबारा बस्टर्ड तब कब आए थे नवंबर में आए थे यानी कि ये सर्दियों में नवंबर दिसंबर जनवरी में जब यह पक्षी सेंट्रल एशिया से उड़ करके जो तजाकिस्तान किर्गिस्तान उज्बेकिस्तान वाला क्षेत्र है वहां से उड़ करके पाकिस्तान के सिंध एरिया में आता है इन्हें मारने के लिए गल्फ के यही राजा लोग अगर आपने ये खबर ध्यान से देख ली हो तो यहां पर आप खलीफा बिन अल जायाद का नाम नाहन का नाम देख सकते हैं जो फिलहाल यात्रा पर यहां प्राइवेट विजिट पर आए हुए हैं लेकिन

अक्सर विरोध होता रहा है यूएई के जितने भी शेख हैं इन्हें आप बाज के साथ देखते होंगे जो पाकिस्तान द्वारा गिवन होते हैं असल में यहां पर जो पर्यावरण विद लोग हैं पाकिस्तान के अंदर वो अक्सर प्रोटेस्ट करते हैं इस बात का कि इस होबारा बस्टर्ड को क्यों मारा जाए क्योंकि किसी भी प्रकार से कोई भी अगर की सूची के अंदर कोई पक्षी है तो उसका शिकार उचित नहीं है आपको जानकर आश्चर्य होगा एक बार पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह ब्लैंकेट बैन कर दिया था हॉबर्ड बस्टर्ड का शिकार करना लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने कहा मरवाओगे क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट आपके द्वारा तो बैन लगा दिया जाएगा हमारे जाने कितने करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा क्योंकि वो खुश होकर के जो हमें जाकर देकर जाते हैं अब वो भी चीज हमको नहीं मिलेगी आपने उनको बैन कर दिया तो हमारे हर साल शिकार करने कौन आएगा और जब नहीं आएंगे तो हमको फिर कटोरे में चंदा कैसे मिलेगा ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने दो के अंदर उस बैन को हटाया

कारण क्या है अब वो सुन लीजिए क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान के हालात बिल्कुल एज पर चल रहे यहां पर खतना, मतलब इतना खराब हो रखी है कि मदद अब मदद के लिए जब तक किसी की खिदमत नहीं करेंगे तो मदद कैसे देगा तो यह पूरी पॉलिसी असल में मदद प्राप्त करने की जा रही है आपको याद हो इस साल की शुरुआत में यूएई के द्वारा इन्हें एक बिलियन डॉलर का लोन ऑफर किया

ना, साहब लोग चलते हैं तो साहब लोगों के साथ में कुछ सर्वेंट टाइप के लोग चलते हैं पाकिस्तान उस तरह की भूमिका में है कि जाते जाते साहब अपनी जेब से कुछ अगर दे भी गए तो हमारा घर चल जाएगा खैर कोई नहीं जी पाकिस्तान को हालांकि इन लोगों ने कोविड के समय में भी खूब सारी अपनी द्वारा मदद भेजी थी फ्लड के टाइम पर भी मदद भेजी थी लेकिन इस पक्षी का क्या करें जो IUCN के अंदर क्रिटिकली मतलब एन के अंदर सूची के अंदर आता है वो पक्षी जो कि नेचर में शर्मिला होता है आसानी से जिसका शिकार किया जा सकता है पाकिस्तान के अंदर जो वंदरबल सूची के अंदर आता है पाकिस्तान में इसका शिकार किया जाता है आप देख सकते हैं पाकिस्तान में इसके शिकार के लिए जहां सुप्रीम कोर्ट ने एक बार बैन लगा दिया था लेकिन सरकार के दबाव में सुप्रीम म कोर्ट को उस बैन को हटाना पड़ा यह हम आपको यहां पर पूरी तरह से सुर्खियां दिखा रहे हैं अब मैं आपको और एक कारण बताता हूं पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत खराब होने का कारण हालात में यह कर आए हैं कि पाकिस्तान में जो एक डॉलर है ना अमेरिकी डॉलर उसका उसका जो भाव है वो हो चुका है दो रुपया मतलब आप ये समझिए पाकिस्तान की करेंसी भी रुपया है लेकिन एक डॉलर दो रुपए के अंदर आएगा मतलब यहां पर यह समझिए कि पाकिस्तान के अंदर इन दो तीन दिनों के अंदर जो डॉलर के भाव हैं वो इतने चढ़ गए या समझिए कि पाकिस्तानी इतना गया। कितना पैंतीस रुपए तक आता था वो अब दो सौ पैंतीस कंट्री के अंदर जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह कॉलेप्स के नजदीक पहुंच चुकी है आप सोचकर देखिए इंडिया के अंदर डॉलर के जब भाव आप कैलकुलेट करते हैं आप पढ़ते हैं आज अस्सी रुपए था आज इक्यासी था आज बयासी था था फिर वहीं से वापस लौटना शुरू हो जाता है यहां पर हालात यह हो रहे हैं कि दो दिन पैंतीस रुपए नीचे गिर गया है नीचे गिर गया सरकार को संभालने में संभाली नहीं गई सिचुएशन सत्ताईस तारीख की खबर है पैंतीस रुपया गिर गया अब ऐसी स्थिति में जब इनके यहां गिर गया तो हालात आप सोचकर देखिए इनके यहां पर जो प्याज है वो दो सौ बीस रुपए किलो मिल रहा है इंडिया के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो अस्सी रुपए किलो के आसपास चल रहा है एक रुपया इंडिया का तीन पाकिस्तानी रुपया तक पहुंच गया है पहले ये डेढ़ रुपया के आसपास हुआ करता था अब इंडिया के एक रुपए में तीन पाकिस्तानी रुपए आ रहे हैं अस्सी रुपए किलो के आसपास इनके यहां प्याज चिकन दाल इनके भाव देखिए जो आसमान में पहुंच गए हैं हालात आपको समझ में आ जाएंगे कि इनका रुपया इतना बुरी तरह डिवेल्युएट हो गया है ऐसी स्थिति के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते हुए पाकिस्तान की सरकार ने अपने एम्प्लॉइज की 10 परसेंट सैलरी कट करने का आदेश दे दिया है कि भाई आप सैलरी नहीं दे पाएंगे दस सैलरी कट कर दो आप सोचो एक तरफ सैलरी कट की जा रही है और दूसरी तरफ ऑफिसेज नहीं खुलवाए जा रहे हैं क्योंकि क्या पता कोई खुश होकर के हमें कर्जा दे जाए हम उससे पल जाए स्थिति इतनी खराब है अब आप इस प्रकार से सोचकर देखिए कि पाकिस्तान की सरकार ने निपटने के लिए तत्काल प्रभाव से क्या किया तो पाकिस्तान की सरकार ने वो पैंतीस रुपया जब वहां से गिरा तो इन्होंने पेट्रोल डीजल की कीमतों में पैंतीस रुपए का इजाफा कर दिया इतने दिन से IMF कह रहा था पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ा दो कम से कम हमारी नजरों में तुमको किस्तें तो मिल जाएंगी तब तो इन्होंने नहीं बढ़ाए अब जब खुद के यहां पर ही इतना बुरा हाल हो गया है तो इन्होंने पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज की खबर देखिए उनतीस जनवरी की इन्होंने पैंतीस रुपए इजाफा कर दिया है पेट्रोल डीजल अपने यहां पर

जब भी हमारा कोई सेशन आएगा आप तक उसकी जानकारी पहुंच जाएगी इस पूरी प्रक्रिया में हमारा उत्साह आप तक ऐसी मिलती है, बाकी अगर आपको सेशन पसंद आया है तो अपने साथियों से भी जरूर साझा करें चैनल पर नए हैं किसी भी जगह कोई भी खर्च नहीं होता है।, करना है तो एक वर्थ जगह है किताब पढ़ने जिससे कि ज्ञान बढ़ता है थर्टी नाइन में फ्रीडम सिक्सटी को दिया है आप वहां जाकर कुकू एफएम से बुक डाउनलोड कर लीजिए और यहां पर बहुत सारी किताबें हैं अपनी अपनी भाषा में उन किताबों को आप सुन सकते हैं यूज करिएगा यहां जाकर कोड फ्रीडम तभी आपको 60 का ऑफ मिलेगा सेशन को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगर इस कंटेंट की पीडीएफ आप हमारे साथ जाना चाहते हैं तो हमारे कुछ वेरीफाइड टेलीग्राम अकाउंट्स हैं अंकित अवस्थी सर और जीके वाई अंकित अवस्थी सर के नाम से आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं अपना ख्याल रखें धन्यवाद